नगर निगम भिलाई के विभिन्न टैक्सों की वसूली करने वाली स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड का ठेका 30 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है। नई एजेंसी द्वारा राजस्व कर वसूली प्रारंभ किए जाने तक भिलाई निगम ही टैक्स वसूली करेगा, जिसके लिए आयुक्त के निर्देश पर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 30 दिसंबर के बाद नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर राजस्व, संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज आदि की वसूली करने वाली संस्था स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड का ठेका खत्म होने जा रहा है। नई एजेंसी का चयन भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत राजस्व करों की वसूली के लिए किया जा चुका है। एजेंसी के कार्य आरंभ किए जाने तक करदाता निगम मुख्यालय एवं जोन कार्यालयों में संपत्ति कर की राशि को जमा कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। यदि कोई करदाता स्पैरो के पास 30 दिसंबर के बाद टैक्स जमा करता है तो इसकी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की नहीं होगी। नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने इस प्रक्रिया की जानकारी दी। ये स्पैरो कंपनी थी और उसका कार्यकाल खत्म हो गया था और नई एजेंसी उसमें अभी आई है, कोई झारखंड की एजेंसी है श्री एजेंसी करके, और ये इसका कार्यकाल 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर के बाद में नई एजेंसी के काम संभालने तक निकाय के हमारे जो रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके माध्यम से जोन में भी और मुख्यालय में वसूली होगी। और लोगों को भी अपील कर दी गई है कि 30 दिसंबर के बाद स्पैरो के नाम से स्पैरो कंपनी के टैक्स कलेक्टर या उनको वसूली ना दें, वो निगम कार्यालय में जमा करें और जैसी नई एजेंसी आती है सभी को जानकारी मिल जाएगी, तो फिर नई एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन वो कर सकते हैं। ऑनलाइन का भुगतान जोन कार्यालय और मुख्यालय में करदाताओं को उपलब्ध रहेगा। नहीं, अभी तो छूट का तो टाइम निकल गया है, छूट सितंबर तक थी। अब जो है बिना किसी अधिभार के ये आगामी जनवरी फरवरी मार्च तक बिना अधिभार के जमा कर सकेंगे और साल खत्म होने के बाद 18% का अधिभार लग जाएगा। बहरहाल प्रशिक्षण में आयुक्त एवं अपर आयुक्त द्वारा सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि चयनित एजेंसी के द्वारा राजस्व करों की वसूली आरंभ किए जाने तक राजस्व करों की वसूली का कार्य विभागीय स्तर पर ई गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से किया जाए। प्रशिक्षण में जोन आयुक्तों सहित सहायक राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।